हेलो क्लास 8C। हेलो बेटा, तो आज हम ऑनलाइन क्लासेस के चलते आपके SST के लेसन 2 खनिज एवं ऊर्जा के स्रोत इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ के जो मुख्य बिंदु दिए गए हैं वह सबसे पहले है खनिज का अर्थ, खनिजों के प्रकार यानी खनिज कितने प्रकार के होते हैं, विश्व में मुख्य खनिजों का वितरण यानी यह खनिज जो है कहाँ कहाँ पर कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, खनिज ऊर्जा के स्रोत यानी खनिज जो होते हैं वह ऊर्जा के स्रोतों में किस किस रूप में आते हैं और उन्हें कैसे प्रयोग किया जाता है, और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का महत्व। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है खनिज का अर्थ। तो देखिए, आधुनिक समाज खनिज संसाधनों की उपलब्धता पर आश्रित है। हम अपने दैनिक जीवन में विविध प्रकार के खनिजों का प्रयोग करते हैं। मकान बनाने, सड़कें बनाने, रेल मार्ग बनाने, खनिज प्रकार के दैनिक प्रयोग में आने वाले औजार, बर्तन, वाहन, मशीनें, विद्युत उपकरण आदि बनाने में किसी न किसी रूप में खनिजों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारा दैनिक जीवन है इसमें हम सुई से लेकर जो बड़े से बड़े यानी हमारे एरोप्लेन तक जो आदि होते हैं उनको बनाने के लिए इन्हीं खनिज पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो खनिज कहलाता है। और दूसरे साधारण और आसान शब्दों में अगर बताया जाए तो हमारी पृथ्वी पर जो चट्टानें होती हैं, हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जिन्हें हम खनिज कहते हैं। आगे, खनिजों का निर्माण किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। यानी जो खनिज होते हैं वह मानव नहीं बनाता है, यह हमें प्राकृतिक द्वारा दी हुई देन है। आगे है हमारी खनिजों की उपयोगिता। तो यानी खनिजों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आगे देखते हैं। देखिए, खनिज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। विभिन्न उद्योगों में खनिज जैसे लोहा इस्पात उद्योग में लोहा अयस्क एवं मैंगनीज का प्रयोग होता है। एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का प्रयोग होता है। तो जो हमारे ये इस्पात उद्योग में लोहा अयस्क बनाने के लिए मैंगनीज जो होती है और आपका जो बॉक्साइट होती है यह एक प्रकार के खनिज ही हैं। इसके अतिरिक्त कोयला एवं खनिज तेल ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। तो धीरे धीरे मानव ने विभिन्न प्रकार के खनिजों की खोज की और उसका उपयोग करना आरंभ कर दिया। हमें आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए हमारे जीवन में इन खनिजों का अत्यधिक महत्व होता है। आगे आ जाते हैं हमारे खनिज के प्रकार। तो देखिए, खनिज जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक खनिज और जो दूसरा होता है वह होता है अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज वह खनिज होते हैं जिनमें किसी न किसी धातु का अंश पाया जाता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि धात्विक खनिज हैं। इसमें लोहा वर्तमान समय में मानव हेतु सबसे उपयोगी धातु है। यानी लोहा वह धातु है जिसका मनुष्य अत्यधिक प्रयोग करता है। अगला हो जाता है हमारा अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज वह खनिज होते हैं जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, जैसे कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटाश, हीरा, संगमरमर, ग्रेनाइट आदि जो हैं इनके अंदर किसी भी प्रकार का धातु नहीं पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मुख्य खनिजों का वितरण, यानी ये जो खनिज है हमारे कहाँ कहाँ पर और कितने रूपों में पाए जाते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है हमारा लोहा। लोहे का प्रयोग बहुत व्यापक रूप से होता है। अपने महत्व के कारण लोहा आधुनिक सभ्यता का प्रतीक बन चुका है। चाहे मशीनी उपकरण हो, मशीनों के परिवहन के विभिन्न साधन आदि के निर्माण में लोहे का ही उपयोग किया जाता है। तो जो लोहा होता है उनके द्वारा हमारी अनेक जो मशीनरी होती है वह बनाई जाती है। लोहे का उपयोग हम इमारतें बनाने में करते हैं। तो लोहा जो है हमारे दैनिक जीवन का और हमारे आर्थिक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण धातु है। उसके बाद आ जाता है हमारा तांबा। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बिजली के तार बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप तार को छीलते हो तो कई तारों के अंदर जो होता है धातु की तार निकलती है। भारत में तांबा कम मात्रा में उपलब्ध है। इसकी खाने मुख्य रूप से झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। अगला है हमारा मैंगनीज। तो मैंगनीज एक अति महत्वपूर्ण धातु है जिसका प्रयोग इस्पात निर्माण में यानी लोहा निर्माण में किया जाता है। मैंगनीज मुख्य रूप से भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राज़ील, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में प्राप्त किया जाता है।
अगला खनिज हमारा आ जाता है बॉक्साइट। तो आधुनिक युग में बॉक्साइट का बहुत महत्व है। विद्युत एवं ताप की सुचालक होने के कारण बॉक्साइट धातु का उपयोग विद्युत केबल बनाने में, वायुयान निर्माण में, बर्तनों, घरेलू उपकरणों और फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक आदि में बॉक्साइट प्राप्त होता है। अगला आ जाता है हमारा खनिज के स्रोत। तो इसके अंतर्गत हमारे सबसे पहले आता है कोयला। तो देखिए, अगर आसान शब्दों में देखा जाए तो देखिए, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व कोयले की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस युग के दौरान हुई थी। पेड़ पौधे तथा वन हजारों फीट मोटी चट्टानों के नीचे दब गए थे, जिनसे कालांतर में अत्यधिक गहराई पर ऊंचे तापमानों के कारण पुनः परिवर्तन हुए और पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण चट्टानों में मोड़ पड़ने से पीट का कोयले का रूपांतरण हो गया। विश्व में सबसे बड़े कोयले भंडारों का निर्माण लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। विश्व के कुल कोयले भंडारों का लगभग तिहाई भाग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस में पाया जाता है। हमारे भारत में मुख्य कोयला भंडार एवं उत्पादक क्षेत्र, यानी जहाँ पर हमारे भारत में कोयला पाया जाता है, वह है झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम आदि राज्य हैं जहाँ पर हमारे कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद है हमारा खनिज तेल। तो खनिज तेल का निर्माण जो होता है वह भी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशिष्टों से होता है। प्रायः खनिज तेल के साथ साथ ही प्राकृतिक गैसें भी पाई जाती हैं। इन खनिज तेलों को कारखानों के अंदर शुद्ध कर लिया जाता है, क्योंकि जब इन्हें खनिज से प्राप्त किया जाता है तो यह साफ़ नहीं होते हैं। कारखानों आदि के अंदर आकर इनको शुद्ध कर लिया जाता है और इनका प्रयोग पेट्रोल एवं डीजल आदि के रूप में किया जाता है। आज हमारे देश के विभिन्न राज्यों में तेल शोधक कारखाने बड़े स्तर पर स्थापित किए गए हैं और हमारे देश में इसकी जो मांग है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जब हमारे देश स्वतंत्र नहीं था, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, भारत का असम में डिगबोई ही खनिज तेल का प्रमुख क्षेत्र था। यानी जो तेल पाया जाता था हमारे भारत में वह डिगबोई क्षेत्र में पाया जाता था, परंतु आज गुजरात के अंकलेश्वर, कैबे और कालोल एवं महाराष्ट्र में मुंबई हाई अब एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हो गया है। अगला आ जाता है हमारी जल विद्युत, यानी जल के द्वारा बिजली उत्पन्न करना। तो जल विद्युत पर बिजली गिराते हुए जल से टरबाइन चलाकर बनाई जाती है। जल शक्ति का प्रयोग सफलतापूर्वक प्राचीन काल में किया जा रहा है। जल विद्युत ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत होता है। इसमें पर्यावरण प्रदूषित नहीं होती, लेकिन इसका भंडारण भी नहीं किया जा सकता, इसलिए उत्पादन के साथ इसका प्रयोग किया जाना भी जरूरी है। यानी जितनी ये बनती जाती है उतनी इसकी खपत करते जाना भी आवश्यक होता है। हम इसको भंडार यानी एकत्र कर नहीं रख सकते हैं। और जल विद्युत प्रयोग करने के लिए, यानी जल विद्युत बनाने के लिए, हमें अत्यधिक मात्रा में जो पैसा होता है वह खर्चना पड़ता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए नदियों आदि पर बांध बनाने पड़ते हैं एवं टरबाइन लगाना और परेशण तारों की लाइनें आदि बिछाने जैसे कार्यों के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो हमारे जो अब आज के समय में हीराकुंड बांध प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं, यानी हमारे देश में अनेक परियोजना जल विद्युत के लिए अनेक परियोजनाएं चलाई गई हैं, जिसके अंतर्गत हमारा हीराकुंड बांध प्रमुख जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आता है। उसके बाद आ जाता है हमारा आणविक ऊर्जा। तो आणविक ऊर्जा यूरेनियम एवं थोरियम से प्राप्त की जाती है। यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक झारखंड में सिंहभूम जिले में होता है। थोरियम केरल के समुद्र तट पर पाए जाने वाले रेत से प्राप्त होता है। इन आणविक ऊर्जा का प्रयोग हम अणु बम बनवाने के में करते हैं तथा हमारे भारत में आज इसका प्रयोग कृषि एवं चिकित्सा क्षेत्रों के अंतर्गत भी किया जा रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत्र और उनका महत्व। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि खनिज ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, खनिज तेल आदि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके भंडार सदैव उपलब्ध नहीं रहेंगे, यानी ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसे अधिक प्रयोग से प्रदूषण भी होता है। अतः ऊर्जा के इन पारंपरिक स्रोतों के स्थान पर हमें ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस एवं शहरी कूड़े करकट से
बनी ऊर्जा। ऊर्जा के ये स्रोत नवीनीकरणीय स्रोत हैं तथा इनकी आपूर्ति सदैव बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त जब हम इन स्रोतों का प्रयोग करेंगे तो इससे प्रदूषण की समस्या भी नहीं होती है। भारत में अभी इस ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग सीमित मात्रा में होता है, परंतु इसका भविष्य बड़ा ही उज्ज्वल है, जहाँ सौर ऊर्जा के विशाल भंडार हैं। हमारी सरकार ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। तो इस लेसन के अंतर्गत हमारे खनिज आदि के बारे में जानकारी दी गई थी, उसके महत्व बताए गए थे, धात्विक और अधात्विक खनिज क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बताया गया था। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज आती है और ये आपके विद्यालय खुलने पर ही आपको करवाई जाएगी, तथा जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको PDF के द्वारा सेंड कर दिए जाएंगे।